हेलो, आई एम विकट खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 month प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया, एंड डॉक्टर जैस्मिन सर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 grams की मेरी बेबी थी, 27 weeks की। तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया डॉक्टर तालिब सर्वे के अंडर। उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। ठाणे शहर में NCP की तरफ से जोरदार बैनरबाजी की जा रही है। आपको बता दें कि कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अभाट के परिवार को धमकी मिली और अब ये मामला इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में बना हुआ है, और इसी मामले को लेकर ठाणे की सड़कों पर बैनर लगाए गए हैं और सवाल किया जा रहा है कि क्या पूर्व मंत्री जितेंद्र अभाट और उनके परिवार को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, एक राजनेता के परिवार को इस तरह से टारगेट करना उचित है क्या। ये बैनर ठाणे शहर में जगह जगह पर आपको नजर आएंगे। इस बैनर को लेकर NCP के कार्यकर्ता राजा राजपुरकर ने क्या कुछ बताया है, आपको सुनाते हैं। नाम बताइए, आपने बैनर क्यों लगाया, इसकी वजह क्या है? ऐसा है, मेरा नाम राज राजापुरकर है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ। हम लोग समाज में हमारे इस पार्टी के माध्यम से काम करते रहते हैं, अलग अलग आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन अगर किसी अन्याय के खिलाफ आंदोलन करते हुए अगर हमारे आवाज को अगर दबाया जाता है और हमारे फैमिलीज को टारगेट किया जाता है, तो मुझे लगता है कि यह सरासर नाइंसाफी है, इनजस्टिस है। आज जिस तरीके से विधायक आदरणीय जितेंद्र आवाज साहब के फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से ठाणे महानगर पालिका के अंदर विधायक आवाज साहब के पत्नी और उनकी बेटी इनके जान से मारने की अंदर से प्लानिंग हो रही है, तो मुझे लगता है कि ठाणे महानगर पालिका का जो सभागृह है अब वो सभागृह नहीं रहा। जिस लोकशाही से हम भाषा करते हैं लोकशाही नहीं रही। मुझे लगता है कि इस सारे प्रकरण के अंदर या इस सारे पूरे प्रकार के अंदर इस ठाणे महानगर पालिका के आयुक्त अभिजीत बांगर साहब, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, या तो फिर आप जिम्मेदार हो कि आपके महानगर पालिका के अंदर एक 50 के अधिकारी जिस तरीके से गुंडों को लेकर, क्रिमिनल को लेकर, गैंगवॉल को लेकर एक राजनेता, एक राजकीय पुढ़ारी के अपने फैमिली को मारने की प्लानिंग करता है, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारा काम है और हम लड़ते रहेंगे। इसके लिए हम अगर जरूरत पड़े तो आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस तलक हम जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे। जय जय महाराष्ट्र।